हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं रिमी। इस वीडियो में आप देखेंगे फ्लावर पॉट पेंटिंग और इसके साथ साथ आप देखेंगे 3D आउटलाइनर कोन को कैसे बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉट के ऊपर मैं यहाँ ब्राउन कलर के साथ थोड़ी सी पानी मिक्स करके यहाँ कलर कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ और इसके अंदर भी थोड़ी कलर कर रही हूँ। कलर को अच्छे से ड्राई होने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर पेंट करना है। और ये देखिए, एक खाली ट्यूब है, ये 3D आउटलाइनर कोन है, बट ये मैंने क्लीन कर लिया है। अब इसके अंदर आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ, वाइट कलर। और ये 3D आउटलाइनर कोम नॉर्मली ये थोड़ी महंगी होती है, तो आप इस तरीके से एकदम आसानी से आप घर पे ये 3D आउटलाइनर कोन बना सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी एक्रेलिक कलर, आपके पसंद के कलर आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। बस बोतल को अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और नॉर्मली अब ये कलर आप मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएगी। पहले मैं ये एक पुरानी ड्रेस के ऊपर कलर करके ये थोड़ी देख रही हूँ ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, बट मैं यहाँ अगर ब्रश यूज करती तो ज्यादा अच्छा होता, तो इसलिए मैं ब्रश यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो लाइन थोड़ी सी पतली हो रही थी और ब्रश से मुझे पर्सनली बहुत इजी है मुझे लगता है। और इस तरीके से पहले डिजाइन को बना लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले पेंसिल से भी हल्के हाथ से एकदम लाइट करके मार्क करके उसके ऊपर आउटलाइनर से बना सकते हैं। मैंने यहाँ कोई आउटलाइन नहीं किया है, तो देखिए ये बन गई है। बोतल को ना बहुत ज्यादा आप प्रेस नहीं करना है आपको, बस हल्के हाथ से आप प्रेस करेंगे तो कलर एकदम इक्वली इस तरीके से कलर बाहर निकलेगी। अब छोटी छोटी डॉट्स, बहुत सिंपल डिजाइन है, आप कोई भी फ्लावर पॉट के ऊपर इसको बना सकते हैं। अब अपने मनपसंद के कलर भी यूज कर सकते हैं, इसको आप ब्लैक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यह ब्राउन कलर किया है, और आप ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं। और ये फेब्रिक्रिल की फैब्रिक कलर मार्केट, सॉरी ये एक्रेलिक कलर है, और मैं आपको बोलूंगी यहाँ फैब्रिक कलर मत यूज कीजिए। इसके ऊपर जैसे ही क्राफ्ट के आइटम के ऊपर एक्रेलिक कलर ज्यादा यूज होते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं एक्रेलिक कलर को। और ये मार्केट में बहुत आसानी से आप कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगी। और ये 3D आउटलाइनर भी मिल जाएगी, बट जैसे एक्रेलिक कलर सारे जगह पे मिलती है, सारे ऑलमोस्ट स्टेशनरी शॉप पे मिलती है, इस तरीके से नहीं मिलती है, आपको थोड़ी सी ढूंढना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए एक यू शेप की तरह इस तरीके से, बट इसको थोड़ा और ब्रॉड बनाऊंगी, तो मैं इसके लिए ब्रश यूज करूंगी। आप इस आउटलाइनर से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए ब्रश से यहाँ थोड़ी सी ब्रॉड कर लिया है, यहाँ छोटी छोटी फ्लावर। पहले पॉट के ऊपर पेंट करने से पहले मैंने इसको क्या किया था, अच्छे से पानी से इसको वॉश किया था। वॉश करके इसको कम से कम 7-8 घंटा, नहीं 4-5 घंटा इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कलर किया है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए पहले, और पेंट करने के बाद एकदम कंप्लीट होने के बाद आप फेविकल की मॉच पॉच जो होती है आप उसको इसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर वार्निश आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से ये जब थोड़ी सी डस्ट ऐसे इसके ऊपर डस्ट हो जाती है, तो अब इसको आप अच्छे से वाइप करके डस्ट को हटा सकते हैं। ये आउटलाइन से डॉट बहुत अच्छे से बनती है, और डिजाइन छोटी छोटी जो डिजाइन है वो बहुत आसानी से बन जाती है।
बहुत आसान है, बट छोटी छोटी वार के आप ध्यान से कीजिए, एकदम हल्के हाथ से कीजिए, आपकी ये पॉट बहुत आसानी से बन जाएगी। अब यहाँ ऑनेस्टली मैंने ये नहीं सोचा था ये कलर फील करूंगी, तो मैं देख रही हूँ फील करने के बाद ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कंप्लीट हो गई है, और ये देखिए सेम प्रोसीड्योर से मैंने दूसरा भी बना लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।